गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज, दैट इज़ मेजर्स इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव मार्केटिंग सिस्टम। पहले बता दूं बेटा, ये आपका क्लास ट्वेल्थ, ये आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक का 9th चैप्टर है, दैट इज़ रूरल डेवलपमेंट। तो उसमें आपका ये टॉपिक है लिंगरिंग चैलेंजेस में, जो आपका मार्केटिंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग है उसमें ये आपके मेजर्स हैं कि गवर्नमेंट ने आपके जो फार्मर्स हैं उनकी कितनी एक वर्स सिचुएशन में वो हमेशा डील करते रहते हैं। सो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिनकी वजह से उनके मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके। जैसे उनके पास फार्मर्स के पास, पिछले हमने टॉपिक में डिस्कस किया ना कि उनके पास, उनको डेट ट्रैप में फंसा लिया जाता था, उनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, अपने इस फसलों को वो अच्छे से बेच नहीं पाते थे। तो ये सब यहाँ पर क्या है, आपको बहुत सारे यहाँ पर ऐसे कदम उठाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से जिसकी वजह से आपके मार्केटिंग सिस्टम को बहुत ही स्ट्रांग बनाया गया, उसको इम्प्रूव, उसमें आपकी इम्प्रूवमेंट की गई कई सारी। तो क्या क्या आपके मेजर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट है यहाँ पर बच्चे रेगुलेटेड मार्केट्स, कि आपकी जो कमी होती थी मार्केट्स को, कि उन फार्मर्स को, कि उनके पास कोई ऐसी वहाँ पर कोई परिस्थिति नहीं होती थी ताकि वो अपने अपने जो फसलें हैं उन्हें वो आसानी से बेच पाएँ, क्योंकि कोई ऐसे अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी, ना कोई प्राइस दिया जाता था उन्हें अच्छे से। तो बेसिकली वहाँ मार्केट्स की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो गवर्नमेंट के थ्रू क्या कराया गया, कुछ ऐसे रेगुलेटेड मार्केट्स बनाए गए, जैसे आप मंडी कह सकते हैं जिसे सिंपल शब्दों में। सो मंडी जैसे बोलते हैं तो आपकी रोहतक की जैसे मंडी है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर होलसेल रेट पर जो भी गुड्स लेने हैं या फिर जो भी आपने अनाज यहाँ से लेना है वो आप आसानी से यहाँ से आकर ले सकते हैं। सो यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पे बायर्स भी होते हैं और सेलर्स भी होते हैं, साथ में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ पर काम करते हैं, जिनका काम होता है एक मीडिएटर की तरह या फिर इंटरमीडिएट की तरह आपका काम करने का। तो वो क्या करते हैं यहाँ पर, वो उन दोनों के बीच में वो एक मीडियम बन जाते हैं, आपके फार्मर्स के बीच में और आपके ट्रेडर्स के बीच में, यानी कि बायर्स और सेलर के बीच में वो एक मीडियम बन जाते हैं, जिसके थ्रू सारी जो मार्केटिंग बहुत आसानी से की जाती है, ताकि एक प्राइस जो है उसे आसानी से फिक्स कर लिया जाता है, जिसकी वजह से आपके फार्मर्स को कोई भी लॉस ना हो। ओके, सो आपकी ये मार्केट्स को रेगुलेट किया जाता है, और यहाँ पर कई कई बार फार्मर्स को क्या दिया जाता है, उनको एक ऐसी फैसिलिटी भी दी जाती है कि वो आसानी से अपने गुड्स को, अपनी जो भी उनके पास फसलें हैं उन्हें वो आसानी से स्टोर करके रख सके, और जैसे ही उनका बेटर प्राइस आ जाता है वो वहाँ पर आसानी से उनको बेच सकें, यानी कि शॉप वगैरह किराए पर ले सकते हैं ऐसे में। तो कई कई बार ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी बहुत अच्छे से फ़ायदा करती हैं फार्मर्स को। सेकेंड पॉइंट है आपका कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज। तो व्हाट आर दीज मार्केटिंग सोसाइटीज, जैसे आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, भी कुछ पर्सनस के द्वारा उनको बनाया जाता है, जिनकी वजह से आपका क्या होता है कि हेल्प मिल जाती है। तो सभी पर्सनस जो कि आपके ऐसे ग्रुप्स में, कौन कौन पर्सनस आपके ऐड होंगे, देखो कुछ आपके फार्मर्स होंगे जिन्हें अपनी फसलें बेचनी हैं, कुछ आपके व्यापारी होंगे, ट्रेडर्स होंगे जिन्होंने फसलें खरीदनी हैं, और तीसरी पार्टीज़ कौन होंगी यहाँ पर, कुछ आपके इंटरमीडिएट की तरह जो लोग काम करेंगे, जो आपके बिचौलिए जिसे बोल देते हैं ना, सो जो लोग आपका काम करेंगे इंटरमीडिएट की तरह से, आपके मीडिएटर की तरह से जो काम करेंगे, एक मीडियम की तरह जो काम करेंगे, वो लोग भी इसमें शामिल होंगे। सो गवर्नमेंट आजकल क्या कर रही है, ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर वो ज़्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। गवर्नमेंट क्या है, यहाँ पर थोड़ा बहुत उनकी जो है देख रेख रहती है, पर ज़्यादातर इन्हें संभालता कौन है, वो आपकी जो प्राइवेट कार्यकर्ता वगैरह हैं आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो लोग बनाते हैं, वही लोग इनको संभालते भी हैं। ओके, सो यहाँ पर भी ये ध्यान रखा जाता है कि जो आपके फार्मर्स हैं उनका कोई भी एक्सप्लोटेशन ना हो पाए, उनको एक अच्छा बेटर प्राइस पर उनको उनके सेल जो है वो हो पाए, ताकि उनको प्रॉफिट हो अच्छे से, ठीक है। लेकिन आपके जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग है ना बेटे, इसमें इसका एक ड्रॉबैक भी है, क्या, क्योंकि आप देखते हैं ना जहाँ गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कम होती है, यहाँ पर जहाँ पर लोग अपने आप से अपना काम करने लग जाते हैं, लोग अपने खुद क्या बन जाते हैं, बॉस बन जाते हैं। सो ऐसे में कई कई बार क्या होता है कि ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कराई जा पाती जो कि कराई जानी चाहिए थी।
तो क्या होता है, इसकी वजह से आपका मेन प्रॉब्लम यहाँ आती है कोऑर्डिनेशन की। आप देखते हैं पर्सन जो हैं आजकल एक दूसरे की बात नहीं सुनते हैं, सो मेन दिक्कत यहाँ पर इसी चीज़ की आती है। तो पर्सन जो हैं यहाँ पर आसानी से वो बात नहीं मानते हैं, या जैसे ट्रेडर्स को जो प्राइस बोला गया वो उस प्राइस पर ख़रीदने के लिए राज़ी नहीं है, या फिर फार्मर्स को जो प्राइस देने का बोला गया वो राज़ी नहीं हो रहे, या फिर कुछ और कंडीशंस हैं जहाँ पर आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो कार्यकर्ता हैं वो नहीं मान रहे हैं। सो ऐसे में बच्चे कई कई बार क्या होते हैं लॉसेज भी बियर करने पड़ जाते हैं, और जिस आपका मेन मोटिव जो था आपके फार्मर्स को लॉस ना हो वो यहाँ पर अच्छे से पूरा नहीं हो पाता है। आफ्टर दैट है बच्चे आपका, कोई भी बच्चे आपको दिक्कत लगती है आप मैसेज भी करके पूछ सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। प्रॉब्लम ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़, जो कि सबसे बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है आपके फार्मर्स की, क्योंकि उनके पास क्या नहीं होता, उनके पास कोई भी स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं होती जिसकी वजह से वो अपने, जिसकी हेल्प से वो अपना सामान जो है अपने फसलों को आसानी से अपने पास स्टोर करके रख सकें, और जब भी उनका प्राइस लगे कि अब हायर प्राइस आने वाला है या फिर अब हमको अच्छा प्राइस इसका मिल सकता है, एट दैट टाइम वो उसको सेल कर सके। तो ऐसे में उनको क्या, उनको गवर्नमेंट के द्वारा क्या कराया जाता है, ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं ताकि उनको अच्छे से वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज़ मिल पाए। और वेयर हाउसिंग की अगर फैसिलिटी मिलती है तो सबसे ज़्यादा उनको क्या फ़ायदा होगा कि उनको डिस्ट्रेस सेल नहीं करना पड़ेगा। सो डिस्ट्रेस सेल हमने लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया था, डिस्ट्रेस सेल होता है जब जल्दीबाजी में और बहुत ही कम प्राइस पर फार्मर्स को अपनी गुड्स, अपनी फसलें बेचनी पड़ती हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रेस सेल। तो यहाँ पर आपकी जो सेंट्रल और स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन हैं ऐसे बनाए जाते हैं जो कि गवर्नमेंट के थ्रू बनाए जाते हैं, जिनके थ्रू क्या करते हैं फार्मर्स अपने फसलों को वहाँ स्टोर करके रख लेते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है जब भी आपको, हाँ जी बच्चे हम बात कर रहे थे आपकी स्टोरेज फैसिलिटी के बारे में। सो क्या था यहाँ पर कि अगर उनको स्टोरेज की फैसिलिटी आसानी से मिल जाती है तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं फार्मर्स आपके, जब भी उनको लगता है कि ल्यूक्रेटिव प्राइस है, ल्यूक्रेटिव प्राइस मीन्स आपकी जो बेस्ट प्राइस जो आपको किसी पर्टिकुलर फसल पर मिल सकती है, सो जब भी उनको लगेगा कि उनकी फसलें अब महंगे में या अच्छे दाम में जा सकती हैं तब वो वहाँ से गुड्स, अपने फसलें लेकर वो बेच सकते हैं आसानी से, अपनी जो प्रोडक्शन है वो उसको आगे बेच सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट है आपका सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट। आप देखते हैं बच्चे कि गांव से लेकर शहरों तक इन फसलों को लाने में बहुत पैसा लगता है भाई, ट्रांसपोर्ट की जो सुविधाएं हैं वो बहुत महंगी हैं। ओके, सो इनकी वजह से क्या किया जाता है, आपको भी कई भी पिछड़े इलाकों से आपके बैकवर्ड एरियाज़ में से फसलों को ले लेकर आना है, और ऐसे में उनको बहुत ज़्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। सो आपका रेलवेज़ भी इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। सो रेलवेज़ जो है आप यहाँ पर क्या करती है, फार्मर्स को ऐसी फैसिलिटीज़ देती हैं कि आप ट्रेन्स के थ्रू अपना जो प्रोड्यूस है वो आप आसानी से लेकर जाइए, पूरा उनके लिए जैसे डिब्बा जो है पूरा एक ब्लॉक उनको दे दिया जाता है, जिसकी वजह से वो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में अपने जो उनके फसलें हैं, जो क्रॉप्स हैं उनकी, वो आसानी से लेकर आ सकते हैं। ओके बच्चे, सो सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट का मतलब बहुत सस्ते में उनको ट्रांसपोर्ट के मीडियम प्रोवाइड करवाना। आफ्टर दैट है डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। डिसमिनेशन का मतलब होता है बच्चे आपका स्प्रेडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। सो ये स्प्रेडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन का क्या टॉपिक है वो पहले देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। बच्चे आजकल आप देखते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन जो भी फैलाई जाती है या फिर जो भी स्प्रेड की जाती है वो किससे की जाती है, आपके डिजिटल मेथड्स जो हैं, आपके टैब्स, आपके टेलीफोन्स, आपके एक्चुअली मोबाइल्स बोलेंगे, सो मोबाइल्स हैं आपके कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, आईपॉड्स एंड आईपैड्स, टैबलेट्स, ये सब क्या हैं आपकी ऐसी आपके मैगजीन्स हैं। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बेसिकली आपका डिजिटल जो आपका मेथड है वो सारे आ जाते हैं, और आपका प्रिंट मीडिया में आपका न्यूज़पेपर्स, आपके मैगजीन्स, जर्नल्स, ये सब उसमें आ जाते हैं। सो इनके थ्रू क्या किया जाता है भाई, आपको कई कई बार मार्केट्स की इन्फॉर्मेशन इसी में से आपको मिल जाती है कि पर्टिकुलर किस मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आजकल बहुत अच्छे से हेल्प करती हैं आपके फार्मर्स को, जिसकी वजह से वो अपने फसलों को तभी बेचते हैं जब उनको एक अच्छा प्राइस मिल रहा होता है। सो ये किस में हेल्प करता है, इट हेल्प्स द फार्मर्स इन डिसाइडिंग हाउ मच टू सेल एंड वेन टू सेल। देखो ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि एक ही पर्टिकुलर प्राइस पर फार्मर्स ने सारे अपने क्रॉप्स बेच दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ना आगे और अच्छा प्राइस उनको मिल सकता हो। सो इसकी वजह से फार्मर्स को क्या पता चलता है कि उन्हें कितना बेचना चाहिए और कितने दामों पर उनको बेचना चाहिए। उसके बाद है आपके बच्चे MSP पॉलिसी। तो MSP पॉलिसी क्या है इसके बारे में बात करते हैं, दैट इज़ नॉन एज मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। ये पहले हम बात कर चुके हैं
आपके पिछले टॉपिक्स में, पिछले चैप्टर में भी हमने इस सपोर्ट प्राइस के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। सो सपोर्ट प्राइस क्या होता है, पहले ये बात करते हैं। सपोर्ट प्राइस बच्चा आपका एक पर्टिकुलर वो प्राइस होता है जो कि गवर्नमेंट है। देखो फार्मर्स क्या हैं, फार्मर्स कई कई बार अपने प्रोड्यूस को बेच नहीं पाते हैं, कम उनको बहुत ही कम प्राइस पर अपने प्रोड्यूस अपने क्रॉप्स को बेचना पड़ता है। सो ऐसे में गवर्नमेंट उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है कि जो भी आप गुड्स हैं ना, आप जो भी फसलें हैं वो आप हमें बेच दो, ठीक है। तो हम आपको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम आपको देंगे। सो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है, सभी उनका जो बचा हुआ उनका एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है वो सभी उनके गुड्स जो है, वो सभी उनके क्रॉप्स जो है वो गवर्नमेंट आपकी खरीद लेती है, जिसके थ्रू फार्मर्स को अब कोई भी लॉस नहीं होगा। एक मिनिमम प्राइस जो है वो उन्हें दे दिया जाता है ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन भी ना हो। तो एक प्राइस को स्पेसिफाई करना, उसको हम बोलते हैं सपोर्ट प्राइस। अब आप सोचेंगे कि गवर्नमेंट ये सब चीज़ें खरीद कर क्या करेगी। बच्चे गवर्नमेंट का आगे बहुत ज़्यादा यूज़ है, क्या क्या यूज़ है वो देख लेते हैं। दैट इज़ बफर स्टॉक्स एंड PDS, ये आपका इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सो MSP या जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जो गवर्नमेंट आपसे ख़रीद रही है उसका क्या करेगी वो, उसको वो एज अ बफर स्टॉक वो बनाकर रख सकती है, अपने पास स्टॉक बनाकर रखेगी वो। और फिर उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, उसका यूज़ किया जाएगा आपके PDS में। व्हाट इज़ PDS? दैट इज़ नॉन एज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है बच्चे, जिसके थ्रू आपका ये जो राशन स्टॉक, राशन शॉप्स हैं, जो आपके डिपो वगैरह चलाए जाते हैं, वो सब कैसे चलाए जाते हैं, गवर्नमेंट कैसे ये सब देती है। गवर्नमेंट देखो बच्चे कितनी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रही है, वो फार्मर्स को एक मिनिमम प्राइस जो उनको एक पर्टिकुलर प्राइस है वो उनको पे कर देती है, और आगे अपनी जनता को बहुत ही थोड़े प्राइस उनसे लेती है। आप देखते हैं ना कि मेन आप बाहर से कनक लेते हैं, क्योंकि कनक का एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो आप बाहर से अगर कनक लेते हैं तो 20 रुपये किलो, 25 रुपये किलो, 30 रुपये किलो ऐसे आपको मिलती है। लेकिन अगर आप डिपो से या जो आपके राशन शॉप से अगर आप यहाँ से लेते हैं तो 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो, बहुत ही सस्ते दामों पर आपको ये सारे ग्रेन्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इन सब का कंक्लूजन क्या निकलता है उसके बारे में बात करते हैं बच्चे, कि आप देखते हैं कि गवर्नमेंट इतनी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रही है अपने फार्मर्स के लिए, फिर भी फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन इतना ज़्यादा क्यों है। सो इसके पीछे पीछे बहुत सारे आपके रीजंस हो सकते हैं। ओके सो यहाँ पर क्या हम बात कर रहे हैं कि आपके फार्मर्स जो हैं, आपके स्मॉल फार्मर्स हैं, आपके मार्जिनल जो फार्मर्स हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, या फिर जो टाइम टाइम पर बहुत बीच बीच में जो सीजनल जो आपके किसान होते हैं वो क्या करते हैं, उनको तो ऐसे ही माध्यम अपने अपनाने पड़ते हैं, उनको तो अपने डिस्ट्रेस सेल ही उनको करना पड़ता है, क्योंकि ना वो गवर्नमेंट की कोई फैसिलिटीज अच्छे से यूज़ कर पाते हैं, या फिर गवर्नमेंट की फैसिलिटी यूज़ भी करते हैं तो उनको फ़ायदा नहीं मिलता। सो कई कई बार ज़्यादातर जो देखने को मिलता है, 90% आप देखेंगे कि आपके जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादातर मनी लेंडर्स के पास या फिर ट्रेडर्स के पास ही जाते हैं अपनी क्रॉप्स को सेल करने, और ऐसे में उनको डिस्ट्रेस सेल करना पड़ता है। खाली 10% आपके किसान हैं जहाँ तक आपकी गवर्नमेंट की एजेंसीज और आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की पहुँच है। तो आप देख रहे हैं ज़्यादातर रूरल एरियाज़ के जो फार्मर्स हैं आपके, वो अपने क्रॉप्स को ज़्यादातर बहुत ही सस्ते में वो बेच देते हैं। सो ज़्यादातर क्या हो रहा है यहाँ पर, आपके फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर यहाँ पर हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि फार्मर्स की स्थिति आपकी अच्छे से सुधर नहीं पाती। कई कई बार फार्मर्स के पास ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं होती, कई कई बार गवर्नमेंट के थ्रू उनको ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था आपका टॉपिक, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक यू कैन आस्क फ्रीली। ओके यू कैन मैसेज मी, यू कैन कमेंट मी। ओके एंड वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए, तभी आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो एंड सब्सक्राइब भी। ओके बच्चे, बाय बाय।